राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल, कोरोना का रुद्र रूप इस समय भारतवर्ष पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, खास तौर पर दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, जहां पर इंसानों पर ये काल बनकर टूट पड़ा है। जिनके पास इलाज करने का, करवाने का सामर्थ्य भी है, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा। कसूरवार और बेकसूर सबको इस समय एक कटघरे में खड़ा कर दिया है इस कुदरत ने। तो कुछ ना कुछ तो गलती इंसानों से हुई है, जिसका ये खामियाजा भुगत रहे हैं। खैर छोड़िए, ये सभी बातें अलग है। ये जो महामारी इस समय प्रलय का रूप ले चुकी है, जो कि हर घर की दहलीज पर पैर पसारे खड़े हैं, पता नहीं कब कौन इसका शिकार हो जाए। तो इस समय में मैंने एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की है, यानी कि आप चाहे मजाक में ही सही, हर तरह के उपाय करते हैं, हर तरह की कोशिश करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टरी इलाज लेने के लिए, कोई टोना टोटका करने के लिए, या आयुर्वेद होम्योपैथी हर तरह का। तो आध्यात्मिक जगत में मंत्रों की बड़ी महिमा है, मंत्रों में भी दुर्गा सप्तशी के पाठ की बड़ी महिमा है। उसमें कुछ मंत्र दिए हुए हैं, वो मंत्र उस पुरातन समय में इस तरीके से, इस लिहाज से लिखे गए थे कि फला फला दिक्कत अगर सामाजिक तौर पर अगर किसी को आती है तो ये वाले मंत्र का जाप करें तो उस मुसीबत से, उस संकट से वो इंसान बाहर निकल जाएगा। तो इन चीज़ों को मानने वाले या करने वाले अब बहुत ही कम मात्रा में लोग हैं। तो वहीं से एक मंत्र उठाकर मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे आप मजाक में ही सही, खेल खेल में ही सही करिएगा, और इसको जितना हो सके शेयर करिएगा, इससे लाभ अवश्य होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। महामारी सब पे कृपा करेगी। महामारी नाश के लिए एक मंत्र दुर्गा सप्तशी से मैंने लिया है, वह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस मंत्र का जाप आप ज़रूर करिए और इसको फैलाइए, क्योंकि सामूहिक तौर पर जब प्रार्थनाएं की जाती हैं, किसी मंत्र का जाप किया जाता है, तो बड़ी से बड़ी महामारी, बड़ा से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी विपदा टल जाती है। इसलिए ही संत महात्मा लोगों का जमावड़ा लगाकर इतने बड़े बड़े सम्मेलन या समागम करते हैं। तो सभी ने मिलकर इस मंत्र का जाप सुबह शाम जितना समर्थ हो उतना कीजिए, जितना आप कर सकते हैं आराम से। तो वही मंत्र मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो इसको आप विश्वास से कीजिए। वो मंत्र इस तरह से है, महामारी नाश के लिए: जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। ये मंत्र मैंने नीचे भी दे दिया है, आप यहाँ से पढ़कर भी बोल सकते हैं, दुर्गा सप्तशी से भी ले सकते हैं और यहाँ से पढ़कर भी बोल सकते हैं। सुबह शाम जितना हो सके इसका जाप कीजिए, आगे से आगे इसको फैलाइए, और ये मैं आपको बड़े विश्वास से कहता हूँ कि महामारी, महामारी का नामो निशान नहीं रहेगा। अगर महामारी रहेगी तो बड़ी ही कमज़ोर अवस्था में चली जाएगी। फिर वह मंत्र मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, दुर्गा सप्तशी का है ये मंत्र। महामारी नाश के लिए: जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। सभी की मंगल कामना करते हुए ये मंत्र आम जनता के हित के लिए समर्पित है, श्रद्धा से इसका पाठ कीजिए। महामारी का नामो निशान नहीं रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। राम राम।